मैं अपने दिल के मुआफिक तुम्हें चौपान दूंगा। सब कौमें यरूशलम में जमा होंगी। हमारे लिए आज की पहली तलावत यिर्मयाह नबी का सहीफा, तीसरा बाब, 14-17 आयत तक। खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता फरजंदो, वापस आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा खाविंद हूँ और मैं तुमको शहर में से एक एक और खानदान में से दो दो लूँगा और तुम्हें सहून को लाऊँगा और अपने दिल के मुआफिक तुमको चौपान दूँगा, तो वो तुमको इल्म से और हिकमत से चराएंगे। और इन दिनों में जब तुम ज़्यादा होगे और मुल्क में बढ़ोगे, खुदावंद फरमाता है, तो वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक, और वो दिल में अपने लिए ख्याल करेंगे और उसका जिक्र ना करेंगे और ना उसको याद करेंगे और वो फिर बनाया ना जाएगा। उस वक्त यरूशलम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और खुदावंद के नाम से सब कौमें यरूशलम में उसकी तरफ जमा होंगी और बाद उसके वो अपने शरीर दिलों की जिद पर ना चलेंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र।